हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश बहुजा। अभी हम या आज से नया ट्यूटोरियल चालू करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी हम शुरुआत में तो अभी हम जो जो मेन मेन जो एल्गोरिथम है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि कुछ हमारे लाइन लाइन ड्राइंग के जो एल्गोरिथम है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी एल्गोरिथम की शुरुआत करने से पहले अभी हम थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो हमें आगे काम में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो कुछ लिखा है ये डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो मुझे बोलना है वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन अभी हमारा ट्यूटोरियल जो है हिंदी में है। तो आप ऐसा ना समझिए कि मैं इंग्लिश से सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको डायरेक्टली वो बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, ये डायरेक्टली हमने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपको समझने में बहुत ही आसान रहेगा और इससे आसान ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत ढूंढा था तो इतना आसान ट्यूटोरियल तो आज तक मुझे मिला ही नहीं है। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जब भी हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी रहती है हमारा जो कंप्यूटर रहता है मतलब हमारा जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहती है अगर हमें उस पर अगर लाइन ड्रॉ करनी है या फिर कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमारे वो जो हमारा डिस्प्ले रहता है उस पर बहुत सारे पिक्सल रहते हैं। तो ये पिक्सल क्या रहते हैं, ये एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है जो कुछ भी मतलब जो हमें ड्रॉ करना है तो वो उस पर ड्रॉ हो जाता है। हर एक पिक्सल का अलग अलग ये रहता है। तो हर एक पिक्सल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो कैसे ऑपरेट होता है वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे टू ड्रॉ अ लाइन इट शुड बी अ स्ट्रेट एंड स्टार्ट एंड एंड एक्यूरेटली। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर पे तो वो हमारी एक तो पूरी ऐसी स्ट्रेट चाहिए हमें, उस पर कोई भी ऐसा स्टेयर स्टेप का इफेक्ट नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जो लाइन हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है, ऐसी जो लाई लाई ने ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाती है। तो हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली ऐसी लाई लाइन चाहिए। तो ये ऐसी लाइन कब आएगी, तो जब हम एक तो हम यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली अगर हम हमारे अगर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तब वो बहुत ही आसानी से बहुत ही स्ट्रेट आती है। जैसे कि ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये हमारी जो स्क्रीन रहती है ये इसको आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन मान लीजिए। तो ये जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है उस स्क्रीन पर ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स है ये हमारे पिक्सल है और उन पिक्सल में हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ की है जो दिखे। अभी ये यहाँ पे गोल गोल क्यों किया है, मतलब ये हमारे पिक्सल फिल किए हैं लाल कलर से जो मैंने किया है, ये हमारे पिक्सल फिल हुए हैं जो हमारी लाइन ड्रॉ किए है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये हमारे जो पिक्सल है वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो अगर हमारे पिक्सल स्क्वायर शेप में होंगे तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब वो बहुत ही स्ट्रेट आएगी। अगर हम ऐसी ही लाइन अगर हम अगर 45 डिग्री में अगर ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, जो लाइन जो हमारी रहेगी उसकी जो विड्थ रहेगी यानी कि जो उसकी ये जो विड्थ है ना चौड़ाई, तो वो एक सरी की नहीं रहेगी, वो थोड़ी यहाँ पे दे दिखे। अभी यहाँ पे हमारा एक पिक्सल है,
फिर यहाँ पे पिक्सल है, तो यहाँ पे इतनी इसकी जो वेवलेंथ थे वो इतनी है, फिर से यहाँ पे बहुत कम हो जा रही है, फिर से यहाँ पे बढ़ जा रही है, फिर से यहाँ पे कम होती है, फिर से यहाँ पे बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन में, तो इसकी जो विड्थ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसका जो ये जो हमारा पिक्सल है, इसका जो हमारा ब्राइटनेस रहता है, इसका जो ब्राइटनेस रहता है ये हमारा पूरा सेम रहता है। अगर हम 45 डिग्री में यही लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ब्राइटनेस रहता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो इससे हमें ये स्टेयर स्टेप वाला इफेक्ट मिलता है। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे मीन्स अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर स्ट्रेट एंड सम एंड सेम विड्थ, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वो तो आपको मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, देन अदर एनी लाइंस बिकॉज द फाइनाइट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले वी कैन नॉट गेट प्रॉपर पिक्सल, वी गेट अप्रोक्सीमेट पिक्सल। सो देखिए अब जब जब हम हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी रहती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है, तब हमें पिक्सल तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और डायरेक्शन से अगर लाइन ड्रॉ करनी रहे ऐसी, तो हमें मतलब जो पिक्सल हमारी लाइन पे चाहिए वैसे तो हमें मिलते नहीं है, तो इसलिए हम कुछ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। तो हम कुछ अप्रोक्सीमेट पिक्सल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक वो जा रही है, तो यहाँ पे दिखे अभी यहाँ पे हमें तो ये पूरा पिक्सल मिल चुका है, ये भी हमें पूरा पिक्सल मिल चुका है, ये भी पूरा है, लेकिन जो ये बाकी जो पिक्सल है ये थोड़ा आ रहा है, ये थोड़ा आ रहा है, ये भी थोड़ा आ रहा है, ये भी थोड़ा आ रहा है, तो इनमें से कौन सा पिक्सल हमें लेना है, इनमें से कौन सा पिक्सल हम ले जिससे कि हमारी जो लाइन है वो अच्छे से हमें डिस्प्ले पे हमको दिखाई दे। तो ये जो काम है ये हमारे ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम करता है। तो लाइन ड्रॉ एल्गोरिदम में हमारे पास DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है और बेजनम लाइन लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही बताया है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है इन दो डायग्राम में, तो बहुत बार क्या होता है जो हमारा जो मतलब जो हमारा एक पिक्सल रहता है उसका जो ब्राइटनेस रहता है वो एक पिक्सल के लिए उसका उसका अलग रहता है, हर एक पिक्सल का ब्राइटनेस उसका उसका रहता है। तो जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तब हमारा पूरा ब्राइटनेस कांस्टेंट रहता है, अगर हम 45 डिग्री में लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे जो पिक्सल का ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसको हम इस इश्यू को हमें मतलब दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे कैलकुलेशन करने होंगे कि जो सीधे हमारे इंटीजर में रहे, या फिर हमें कुछ ऐसी लेंथ देनी हो देनी होगी जो हम डायरेक्टली एक्रोक्सीमेट वैल्यू आए 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 उसकी, जिससे कि हमारी लाइन डायरेक्टली स्ट्रेट आ जाए, और हम हमारे जो हार्डवेयर है उसको हम एक या तो हमारे हार्डवेयर को हम इम्प्लीमेंट करवा दें। तो ऐसे हम इस लाइन ड्राइंग का इशू हम दूर करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये इतना बहुत कुछ देख लिया है, तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हमारा लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो हमारा DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपने इतना सब कुछ देख लिया है इस वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझा नहीं हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।